समाचार पत्र दैनिक जागरण की ओर से योग से ही होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभ्यास। योग शिविर रेलवे स्टेडियम में हुआ आयोजित पद्मश्री योग गुरु डॉक्टर भारत भूषण ने योगी कलाओं से स्वस्थ रहने के लिए संदेश मंगलवार को मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित रेलवे स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभ्यास योग शिविर का आयोजन कराया गया। इस मौके पर शिविर का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। दैनिक जागरण के समाचार संपादक संजय मिश्रा व अन्य अतिथियों द्वारा डॉक्टर भारत भूषण का फूल मालाएं पहनाने के बाद पुष्प देकर स्वागत किया गया। सम्मान कार्यक्रम के बाद योग गुरु डॉक्टर भारत भूषण द्वारा सभी को योग के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व शिक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर दैनिक जागरण समाचार पत्र मुरादाबाद यूनिट के संपादक संजय मिश्रा द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि कई वर्षों से लगातार दैनिक जागरण स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभ्यास योग शिविर आयोजित किया गया। पीछे घूमने वाले भी करेंगे, भारत माता सबकी है। बोलो भारत माता की, बोलो योग माता की, बोलो वेद माता की। मेरे बहुत प्यारे योग साधकों, सुबह का समय जागरण का समय है। पंछी आसमान में उड़ने लगते हैं, जमीन पर जीव जंतु विचरण करने लगते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में जो पेट्स आपने पाले हुए हैं वो भी स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। लेकिन कैसे विडंबना है कि इसको समझने वाला इंसान अपने प्राकृतिक कार्यकलापों को भी भूल गया। वो एसी में पड़ा रहता है और अपनी एसी की तेजी करवाता रहता है। आज कई साल बाद आपके साथ इकट्ठा बैठने का मौका मिल रहा है। एक एक क्षण महत्वपूर्ण है और उससे भी आगे एक एक सांस महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के समय का हम पूरा पूरा उपयोग करेंगे। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा जीवन में उसको आपको लौटाना मेरा धर्म है, क्योंकि आप में से ही जो लोग महान ऋषि हुए हैं उनसे प्रसाद रूप में हमने कुछ पाया है। अगर हम लौटाना नहीं जानते तो हम अधर्म करते हैं। जिम्मेदारी कंधे पर ली है और देख करके लग रहा है कि वो सफल जिम्मेदारी ली है, उसके लिए हम सब इस पत्र के अहोभागी हैं, अहोभागी हैं इसके प्रति। और अगर देखो ये सूर्य उदय हो रहा है, अगर स्कूल ऑफ थॉट्स योग के लेकर के चलते हैं लेकिन हम लोग अगर उन थॉट्स में उन स्कूल्स में ही अटके रह गए तो समझिए हमें योग का मजा नहीं है। अगर हम कमरों में रह करके सोचते रह गए, मकानों का अपना महत्व है लेकिन हमें इनको जिंदा रखने के लिए हर हिस्से को छेड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हर हिस्से में अगर हम घूमते रहेंगे तो वहाँ पर कीट पतंगे प्रदूषण नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे, शोक नहीं होंगे। और उसके बाद इसकी छत पर हमें जाना होगा और आजकल तो पवित्र रमज़ान भी चल रहा है, वहाँ पर क्या कहा जाता है, खुदा कहाँ रहता है, सातवें आसमान पर रहता है। अगर कोई सच्चा मुसलमान है, सच्चा सिख है, सच्चा ईसाई है, सच्चा बौद्ध है, सच्चा हिंदू है तो वो आनंदित, क्रोध रहित, मोह रहित, भय रहित, परम प्रेम पूरी इस रूप को शांत हो जाएं, निर्भय हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, निर्लेप हो जाएं और निर्विकार हो जाएं। आपका मुखमंडल से सारी नेगेटिव रेखाएं हट जाएं और आप एकदम शुद्ध हों, बुद्ध हों। ठीक,
काम करेंगे, नर्स ठीक काम करेगी, पल्पिटेशन बिल्कुल सही चलेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर हो जाएगा, सारे जो आपके सेक्रेशंस हैं उनके स्रावियों के स्राव हैं और स्वरूप को देंगे। न तत्र रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रोग वृद्धावस्थ होता है अगर हम योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, इस स्वरूप को देखना और फिर और थोड़ा सा भीतर को चले जाना। उच्चारण श्रवण दर्शन स्पंदन सभी धरातल से ओम आपने जैसे खत्म किया यहाँ पर, तो उसके बाद आपको फौरन जरूरत पड़ी और पेट आपका इतना आगे गया गया कि नीचे वाले हाथ को उसने धकेल दिया बाहर की तरफ। सबके साथ ऐसा ही हुआ है ना। शरीर का साथ रहना बहुत जरूरी है, शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर मेरी गाड़ी एकदम सही सलामत ना होती तो मैं मुरादाबाद टाइम पे नहीं पहुंच सकता था। ऐसे ही आपकी गाड़ी अगर सही सलामत नहीं है तो आपका सफर मजेदार नहीं होगा। कहीं पंचर हो गया, टायर कमजोर है, कहीं जो है मिसिंग करनी शुरू कर दी, कहीं जो है उसका पेट्रोल ज्यादा खा लिया इसलिए रास्ते में तेल खत्म हो गया। बात है भला, आपका तेल रास्ते में खत्म नहीं होना चाहिए, 100 साल कम से कम आपका तेल चलना चाहिए। जीवेम शरदय शतम, पश्येम शरदय शतम, शृणुयाम शरदय शतम, प्रब्रवाम शरदय शतम, अधीना श्याम शरदय शतम, भूयश्च शरदय शता। 100 साल तक आपका तेल खत्म नहीं होना है, 100 साल तक दमकते हुए जीना है और उसके बाद अहोभाव ले लेना है। 10 उंगलिये 10 दिशाओं की तरफ ट्विस्ट किए हुए हैं और यही पर वेद की ऋचा कहती है, सर्व आशा मम मित्रा भवन। अपने मन को ऐसे मुक्त कर लीजिए और कहिए कि 10 दिशाओं से मे पॉजिटिविटी डिसेंड टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हर तरफ से सकारात्मकता मेरे पास आए, क्योंकि इन हाथों की उंगलियों से हम लेन देन का काम करते हैं। इन हाथों की उंगलियों से ही माता पिता के गुरु के चरण स्पर्श करके कुछ लेते हैं। इन हाथों की उंगलियों से ही बच्चे के सिर पे आशीर्वाद दे करके उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इन हाथों की उंगलियों से ही नोट गिनते रह जाते हैं और इन हाथों की उंगलियों से दवाइयों की पुड़िया खोल खोल के खाते रहते हैं। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। रिलैक्स, चॉइस हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। ऐसी चीज संग्रह करो जिसको संग्रह, सांस भरते हुए सिर को ऊंचे, पीछे जितना झुका सके और सांस छोड़ते हुए आगे। इसके बाद दूसरा अभ्यास, सांस भरते हुए बाईं तरफ दूर तक देखना, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ दूर तक देखना। योगाभ्यास सबके लिए है, जो बिस्तर में पड़ा है वो भी योगाभ्यास कर सकता है। और योग वो विद्या है, अकेली विद्या, जिसको व्यक्ति जब शरीर में नहीं रहता तब भी कर सकता है। कमाल देखो, जन्म से पूर्व योग साधना शुरू कर सकते हैं और मरण के बाद तक योग साधना जारी रहती है। इसलिए ये ना सोचे कि अब तो मेरी उम्र पक गई, मैं तो खड़ा वही रहता, बैठा नहीं जाता, घुटने काम नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हम वो योग करेंगे जो इस स्थिति में करना चाहिए। कोई व्यक्ति, मुझे पीछे लंदन से कोई सज्जन आए थे, ग्रुप था पूरा का पूरा, करते रहिए। उसके बाद हम इसमें चक्राकार घुमाते हैं और उसमें एक व्यक्ति थे जो उस ग्रुप के इवेंट मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि जी आपने बताई चीज़ें, मैं भी अपनी जो जितनी वॉइसिस हैं, शराब है ना, अल्कोहल है, यानी ये सब छोड़ दूंगा, मैं भी योग करूँगा। मैंने कहा तब तो आपको योग की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपने अगर सारे विकार छोड़ दिए तो जो जरूरत क्या है। जरूरत इस बात की है कि आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ मेरे पास। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ तो बदलाव होगा। गंदगी ना हो तो फिर सफाई की जरूरत क्या है, वो तो साफ है ही सब कुछ। गंदगी होना जरूरी है ताकि सफाई हो, अभ्यास और अभ्यास इसलिए भी जरूरी है ताकि गंदगी होने ही ना पाए। छोड़ दीजिए। इसके बाद हम सभी लोग एक बढ़िया सी लड़ाई लेते हैं पक्षियों से, पेड़ से। सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल सिस्टम्स विल गो इन ऑर्डर। सांस भरते हुए हाथों को पहले सामने की तरफ लाना, स्ट्रेच करना है पूरा, और फिर
पूरा ऊपर की तरफ उठाना और पंजे भी ऐसे हो जाए कि पूरा शरीर पंजे के ऊपर, एड़ियां ऊंची उठ जाए, बिल्कुल ऊंचा बदन खींचा हुआ है, ताड़ के पेड़ की तरह से लंबे, और छोटे बच्चे बड़ी लंबी हाइट ले सकते हैं इससे। और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस साइड से ले। कौन सा आसन है ये? ताड़ आसन। एक बार फिर से हो जाए पोजिशन आरंभ, हाथ भरते जाना, ऊंचा उठते जाना, प्राण के साथ ही आप ऊंचा उठेंगे, और जब आसन टिक जाए तब भी प्राण को ऊंचा उठाएंगे, उसके माध्यम से हम मुक्ति तक जाएंगे। और मुक्त भी मरने के बाद कोई नहीं होगा, मुक्त होगा इसी समय, अभी अभी जो मुक्त भाव में जिएगा वही मुक्त रह सकता है। बहुत से लोग मरने के बाद मुक्त हो गए जी, वो तो मरने के बाद सिर्फ मरा है, मुक्त नहीं हुआ। ये था ताड़ासन। इसके बाद हम लेते हैं के अंगूठे जो हैं वो रीढ़ के ऊपर टच कर रहे हैं दोनों, और दोनों जो जो उंगलियां यानी उंगलियां जो हैं ये ग्रिप कर ले कूल्हे को, कूल्हे यानी कमर को, कूल्हे के ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है। और सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है, नवनीत जितना झुकने की कोशिश मत करना, बहुत सुंदर, और हाँ बहुत अच्छे, और सिर को भी ढीला छोड़ दो बिल्कुल ऐसे, और फिर वापस अब सिर को आगे ढीला छोड़ दो और नॉर्मल, ठीक है। पटेल कह रहा हूँ सर, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दैनिक जागरण क्या प्रयास किए? देखिए दैनिक जागरण एक माध्यम है जिसके जरिए लोगों को हमेशा जागरूक किया जाता है, हर मुद्दे पर जागरूक किया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि योग शिविर का आयोजन किया गया, बल्कि महाशिविर का आयोजन किया गया है, और ये खुला आमंत्रण है कि लोग स्वेच्छा से आएँ, इसमें भाग लें। इसमें पद्मश्री भारत डॉक्टर भारत भूषण जी पधार चुके हैं, उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में योग दीक्षा दी जाएगी, योग शिक्षा दी जाएगी, योग से लोग जुड़ेंगे। ये एक बड़ी कोशिश है कि मुरादाबाद के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत पहले से योग कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया कि आप आएँ, आप इससे जुड़ें, क्योंकि योग जीवन जीने की एक कला है, योग जीवन है, और जो लोग योग से जुड़ते हैं वो जीवन से जुड़ते हैं। दैनिक जागरण ने यही कोशिश की है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आप जितना स्ट्रेस लेते हैं, आप जितना तनाव में रहते हैं, उन्हें दूर करने के लिए योग का सहारा लें, योग से जुड़ें, इसी निमित्त ये महाशिविर का आयोजन हुआ है। आगे भी ऐसा प्रयास जारी जी, एक शुरुआत है, और आपको जानकर के खुशी होगी, आप जानते भी हैं कि पूरे विश्व में भारत ने योग दिवस को महत्ता दिलाई है, उसे स्वीकार्यता दिलाई है, आज 200 से अधिक देश योग को अपना चुके हैं, और योग एक क्रांति का रूप ले चुका है, और जागरण इस तरह के शिविरों का आयोजन आगे भी करता रहेगा। अभी हम स्थानीय स्तर पर जो हमारे सब बहुत सारे योग साधक हैं, हम उनसे भी संपर्क में हैं, उनके जरिए भी छोटे छोटे शिविरों के आयोजन कराएंगे।